अबू बकर ने दी पे सब कुछ लुटाया, नबूवत के सच्चे, नबूवत के सच्चे वफादार बन गए सहाबा हिदायती के मीनार बन قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा करम, उसका एहसान, उसका फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को इस मुतबर्रक और मुनव्वर मजलिस के अंदर बैठने की और कुछ देर दीन की बात कहने और सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ये जो बज्म सजाई गई है, जलसा सीरतुन नबी और मुशायरे की निस्बत से इस बज्म को सजाया गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, जिस मुनासिबत से इस बज्म को सजाया गया है और जिसके सदक़े में इस बज्म को सजाया गया है, वो हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको मालूम है कि इस कायनात को आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफेल में सजाया और संवारा गया। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक के नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, आपको इस दुनिया के अंदर भेजना मकसूद ना होता, तो मैं इस कायनात को ना बना। तो वजह कायनात, सरवर कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कई सौ साल पहले मक्का के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे हैं और तामीर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआगो हैं और ये कह रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, के रब हमारी जानिब से इसको कबूल फरमा लीजिए, आप इसको कबूलियत से नवाज दीजिए, क्योंकि कबूलियत ही असल चीज है। ये जो काम हम कर रहे हैं, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, अगर इसको आपने कबूल कर लिया तब तो हमारी मेहनत काम में आ जाएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां ये दुआ फरमा रहे हैं, उसके साथ साथ एक दुआ और भी फरमा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, के नबी इनमें एक ऐसा रसूल भेजिए, इनमें एक ऐसा पैगंबर भेजिए जो इनके सामने आपकी आयतों की तिलावत करे, कुरान की आयतों की तिलावत करे और इसी तरीके से किताबो हिकमत की इनको तालीम दे और इनका तस्किया करे। चुनांचे आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है तो उस वक्त अरब का क्या हाल था, क्या माहौल था, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बदी का जोर था हरसो जहालत की घटाएं थी, बदी का जोर था हरसो जहालत की घटाएं थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी और जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर जंग होती ही ना थी दो चार के बस में।
गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में, घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर रहम फरमाया तो जनाबे आमिना के घर में खुदा का लाडला आया कि आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो अरब का माहौल था, इस इन अशआर के अंदर उसका मंजर खींचा गया है कि वो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगवर किया कर देते थे, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। इसी तरीके से उनकी इबादत का मामला क्या था कि वो नंगे होकर खाने काबा का तवाफ किया करते थे, और जब वो कहीं निशाना सीखा करते थे तो अपने गुलाम को सामने खड़ा करते थे, खड़ा करने के बाद उस पर तीर का निशाना सीखा करते थे। जब तीर निशाने पर लग जाया करता था तो ये खुशियां मनाते थे, उधर गुलाम परेशान होता था, उसको दर्द और कर्ब महसूस होता था, उसको तकलीफ महसूस होती थी, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं होता था कि मेरे इस निशाने की वजह से एक इंसान को तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसा माहौल था। लेकिन जब आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आते हैं और आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की होती है और आपको नबुवत से सरफराज किया जाता है, तो उस वक्त आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जो जुल्मत फैली हुई थी, दुनिया के अंदर जो तारीकी फैली हुई थी, उस तारीकी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आता है, वो अंजिर अशीरतक अलअक्रबीन, के नबी आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को समझाइए, करीबी रिश्तेदारों को डराइए, उनको दीन की तरफ लाइए, उनको ईमान की तरफ लाइए, उनको अपना जो है मुक्तदी बनाइए। चुनांचे आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के पास जाते हैं, हर एक को दावत देते हैं, हर एक को दीन की बात बताते हैं, हर एक को समझाते हैं, हर एक से कहते हैं कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हमारा माबूद एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की जात वो जात है कि उसको किसी ने नहीं जना, ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह की जात वो जात है कि उसका कोई हमसर नहीं। आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग के काम को जारी रखते हैं, एक एक के पास जाते हैं, और इसकी वजह से आपको तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, आपको मसाइब का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में लगे रहते हैं, बराबर जद्दोजहद करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, सहाबा इकराम की एक जमात तैयार करते हैं। और जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, वयुज़क्कीहिम, कि आपका एक काम यह है कि आप लोगों का तज़किया करें, आप लोगों को पाक करें, आप लोगों को साफ करें, और एक ऐसी जमात तैयार करें कि जो पूरी दुनिया के अंदर फैल कर दीन इस्लाम को आम करें। चुनांचे एक ऐसी जमात तैयार हो जाती है, सहाबा इकराम की एक अजीम जमात तैयार होती है, और ये ऐसी जमात होती है कि हज्जतुल वदा के मौके पर आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान मौजूद हैं, आप खिताब कर रहे हैं, 125,000 सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, कि जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको पहुंचाया है, मैंने वो पैगाम तुमको पहुंचा दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मेरे इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा देना जो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, इसी तरीके से जो दूसरे शहरों के रहने वाले लोग हैं उन तक भी मेरे पैगाम को पहुँचा देना, जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, आइंदा आने वाले लोग हैं उन तक भी मेरे पैगाम को पहुँचा देना, इस पैगाम को आम कर देना।
आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना होता है कि वो सहाबा इकराम की जमात जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, जिसका तज़किया आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, रिवायतों के अंदर आता है कि वो जमात पूरी दुनिया के अंदर फैलती है, तिजारत की गर्ज से पूरी दुनिया के अंदर जाती है, दीन इस्लाम को आम करती है, लोगों में तबलीग करती है, लोगों को समझाती है, लोगों को बताती है कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है, क्योंकि सारी कायनात को पैदा करने वाली जात अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इस तौहीद के पैगाम को और पैगाम रिसालत को ये सहाबे इकराम जो है दुनिया के दूसरे हिस्सों में लेके जाते हैं और इस पैगाम को आम करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये सहाबा इकराम की मेहनतें हैं, उनकी जद्दोजहद है, उनकी कोशिशें हैं कि जिसकी वजह से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा। अगर सहाबा इकराम मेहनतें ना करते, सहाबा इकराम के बाद ताबईन और तबे ताबईन मेहनत ना करते तो ये दीन इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। मेरे भाइयों दोस्तों, ये दीन इस्लाम अब हम तक पहुंच तो गया है और हमको विरासत के अंदर दीन इस्लाम मिल तो गया है, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि इस दीन इस्लाम का मिल जाना, ईमान का मिल जाना ये बड़े फख्र की बात है, लेकिन इसको बचा कर ले जाना ये बड़े फिक्र की बात है कि किस तरीके से हम इस दीन इस्लाम को आखिरत तक बचा कर ले जाएं, अपनी मौत तक बचा कर ले जाएं। ये जो दुनिया की जिंदगी है ये चंद रोजा जिंदगी है, अगर हम यहाँ गफलत का शिकार हो गए, दुनियावी चीजों के अंदर अगर हम मशगूल हो गए और अल्लाह को हमने भुला दिया, रसूलुल्लाह को अगर हमने भुला दिया, तो मेरे भाइयों दोस्तों, कल कयामत के दिन हमसे पूछ हो जाएगी, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह ताला हमसे सवाल सवालात करेगा, अगर उन सवालात के जवाबात हम नहीं दे पाए तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम बड़े खसारे में फंस जाएंगे। इसलिए जो ये जिंदगी हमको मिली है, ये जो जिंदगी हमको दी गई है, ये चंद रोजा जिंदगी है, इसमें हम गफलत का शिकार ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अलहाकुमुत तकासुर, कि एक दूसरे पर फख्र करने ने तुम्हें गाफिल कर दिया कि तुम इस दुनिया के अंदर आने के बाद मालो दौलत को असल तुमने समझ लिया और उसको कमाने को असल तुमने समझ लिया, दुनिया की नेमतों को तुमने असल समझ लिया और इसी वजह से तुम उसके कमाने में ऐसा मशगूल हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला को तुमने भुला दिया। हर वक्त तुम्हारे जहनों दिमाग के अंदर ये बात रही कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊं, उस आगे बढ़ने की फिक्र ने हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। हमेशा तुम्हारे जहनों के अंदर ये ख्याल आया कि हम बाद में अमल कर लेंगे, अभी तो कमाने की बारी है, अभी तो जमा करने की बारी है, अगर हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे आगे ये चीजें काम आएंगी, बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम इसी काम में लगे रहे हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, तुम कब्रिस्तान पहुंच गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पे फरमाता है कि कल्ला सौफा तअलमून, कल्ला के माने आते हैं हरगिज नहीं, यानी तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, सौफा तअलमून अन करीब तुम्हें यकीन इल्म हासिल हो जाए, फिर अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा फरमाता है हरगिज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, सौफत आलमून तुम्हें अनकरीब कल कयामत के दिन इसका इल्म हो जाएगा, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे और जब अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी किस काम में लगाई, अगर हमने जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया, अल्लाह की इताअत में लगा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में लगा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को ढाल लिया, तब तो हम आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह हमने आपकी इबादत के अंदर अपनी जिंदगी को लगाया, आपकी इबादत के अंदर अपनी जवानी को लगा दिया। और दूसरी जगह जवानी के बारे में फरमाया गया कि वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी,
कि कल कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ नौजवान ऐसे होंगे कि जिन्होंने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जवानी में अल्लाह को राजी किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन जब नफसी का आलम होगा, हर इंसान परेशान हाल होगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। ऐसे माहौल के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अर्श के साए में होंगे, उसमें वो नौजवान भी होगा जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो जिंदगी हमको दी गई है, ये जो जिंदगी हमको अता की गई है, ये खेल और तमाशे के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ह तौर पे बयान फरमा दिया, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। खलक अल मौत वल हयात लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये मौत और जिंदगी का जो सिस्टम चलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम जांच सके, हम परख सके कि कौन अच्छे अमल करके आता है। जो इस जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करके जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला को मना के जाएगा, रब चाहे जिंदगी गुजार के जाएगा, वो तो आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए नेमतों का इंतजाम फरमा दिया है। लेकिन जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया के अंदर नाराज करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करके जिंदगी गुजार के चले जाएंगे, तो मेरे भाइयों दोस्तों, उनके लिए खसारे के सिवा कुछ नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए दोस्त, जितना तुझे इस दुनिया के अंदर रहना है उतना तू इस दुनिया के लिए तैयारी कर ले, और जितना तुझे आखिरत में रहना है उतना तू आखिरत के लिए तैयारी कर ले। अब हम खुद समझ सकते हैं कि हमको दुनिया के अंदर कितनी जिंदगी गुजारनी है और आखिरत में कितनी जिंदगी गुजारनी है, कि दुनिया की जो जिंदगी है सिर्फ 60 या 70 साल की जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और यही हम कब्र के अंदर दफन होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कि एक वक्त आएगा कि इस दुनिया से जो है हम रवाना हो जाएंगे और हमको उठाकर कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाएगा, और उस जिस कब्र के अंदर दफन किया जाएगा वो कब्र भी धस जाएगी, उसके बाद हवाओं पर हवाएं चलेंगी, बगोलों पर बगोले चलेंगे, और वो हमारा जो जिस्म था वो सारा का सारा जिस्म मिट्टी हो चुका है। अब यही मिट्टी उड़ रही है और इधर उधर जा रही है, फिर ना जाने कहां कहां हमारे जिस्म के वो आजा जो मिट्टी बन चुके हैं वो ना जाने कहां कहां उड़ रहे हैं। वो जिस्म जिसका ये हाल होने वाला हो उसको हम अल्लाह की नाराजगी में लगा दें, अल्लाह की नाफरमानी में लगा दें। मेरे भाइयों दोस्तों, जो शख्स ऐसा करेगा उससे ज्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो जिंदगी हमको दी गई है, ये चंद रोजा जिंदगी है, इसको हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में खर्च कर दें, अल्लाह की इबादत में खर्च कर दें, गफलत से दूर हो जाएं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर चलने वाले बन जाएं, जैसी आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी हमको कामयाब फरमाए। आने वाली जो जिंदगी है, जो आखिरत की जिंदगी है, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी है, उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला हमको कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.